ये अब ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मैंने ये ग्राफ बनाया, एक तरफ इसके वोल्टेज है, एक तरफ इसके टाइम है। इस वक्त आपका जो कार्डियक मसल है वो कुछ नहीं कर रहा, कोई इंपल्स इंपल्स उसको नहीं भेजी, तो हमने उसको जो लाइन बनाई है उसकी वो ये है। ये बात याद रखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 mV होता है, ये याद रखने वाली बात है। इसके पीछे साइंस है लेकिन वो फिर बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। हमने बस ये याद रखना है कि जब मसल कुछ नहीं कर रहा होता तो वो एक वोल्टेज पे होता है, इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है -90 mV। वोल्ट्स नहीं, वोल्ट तो बहुत बड़ी चीज होती है, मिली वोल्ट बड़ा छोटा सा पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब इम्पल्स आके उसने उसको स्टिमुलेट कर दिया हार्ट, अब वो क्या करेगा? शाबाश, अब वो डीपोलराइज करेगा। ये बात याद रखेंगे, डीपोलराइजेशन की कर्व ऐसे दिखाई जाती है, ऊपर जाती है, यानी ये नेगेटिव है इधर, ये है फिर -65 है, 65 पे इधर ही नहीं होता, ठीक है। और ये मतलब ये कम माइनस से जीरो प्लस 15 प्लस 25 इस तरह, यानी यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो ये कर्व अगर ऐसे ऊपर उठ रही है तो ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर उठ रही है, इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। डी आपने हाइफन नहीं लगाना, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये वन वर्ड, ठीक है। यस, इसे डीपोलराइजेशन कहते हैं, आप इसे बोल पढ़ो। यस सर। उसके बाद क्या होगा? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर हम कार्डियक मसल, अब यहां पे देखो ना वो बात आ जाती है, कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है वो जरा डिफरेंट होता है, उसमें बीच में एक पूरी जगह होती है, इसको हम क्या कहते हैं? अर्ली डीपोलराइजेशन तो बना दी मैंने, ठीक है शाबाश। उसके बाद हम क्या, प्लेटो बनता है, फिर ये गोल होती है थोड़ी सी, फिर ये नीचे इसे अगर याद रह जाए, इसे अर्ली डीपोलराइजेशन कहते हैं, इसको प्लेटो, इसे प्लेटो कहते हैं, PEAU, और इसे डीपोलराइजेशन, वो अर्ली है, ये प्रॉपर डीपोलराइजेशन। यस सर। जब आप गौर से सुनो, जब आप कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करते हैं कार्डियक इंपल्स के साथ जो ऐसे नोड से जनरेट हुई भी है, याद हो सारी कहानियां मैंने कल बताई थी, अब वो मसल तक पहुंच गया, मसल को उसने एक्टिवेट किया, मसल आराम से -90 बैठा हुआ था, लेकिन जब उसको कार्डियक मसल कार्डियक इंपल्स मिल गई, उसने डीपोलराइजेशन होनी शुरू कर देनी है फौरन। डीपोलराइजेशन होगी, जब खत्म हो जाएगी डीपोलराइजेशन तो हल्का सा एक बैक गियर बैक रिवर्स लगेगा, उसे आप कहेंगे अर्ली डीपोलराइजेशन, लेकिन फौरन ही बात साथ ही वो कर्व फ्लैट हो जाएगी फौरन, और उसको हम कहेंगे प्लेटो, फिर ये आराम आराम से वो आबशार की तरह गिरती हुई सीधी होके रीपोलराइजेशन करके दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाके बैठ जाएगा। यहां तो ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा जी, ये उस इलेक्ट्रिकल इवेंट की है जो कार्डिक इंपल्स ने करवाया है, जनरेट किया। शाबाश, यहां तक ठीक है। अब सवाल करना है, सवाल आपको करना चाहिए, नलायकी की इंतहा होगी अगर सवाल आपने ना किया। ये वाला सवाल नहीं, एक और सवाल, ये भी सवाल रख लो, मैं एंड में करूँगा बताऊंगा, ये अच्छे सवाल कर रही है लेकिन जी। नेक्स्ट सवाल बनता है कोई? ओए निकम्मे बच्चों, ये सवाल नहीं बनता कि इसका कॉन्ट्रैक्शन से क्या ताल्लुक है। आपने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है ये जरूरत है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, ये सवाल बनता ही नहीं बनता। अच्छा वैसे को निकम्मे हो, ये सवाल भी मैं खुद ही बताता हूँ है जी, ये मैं, ये जो डांट होती है ना ये दूसरी वाली डांट होती है, सीरियस डांट नहीं होती, सीरियस डांट पड़ेगी तो आप सब लोग भाग जाओगे। ये बच्चों वाली डांट है जो मैं अपने बच्चों को भी डांटते ही रहता हूँ, इस तरह मजाक मजाक इसका उसको ना लिया करो। इलेक्ट्रिकल इवेंट आपने पढ़ लिया आज, ठीक है, इसी दौरान कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये आपके लिए इंकशाफ है, बता रहा हूं आपको, इसी दौरान, क्योंकि देखो ना
ये जो फिगरा लिखा है ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, ये लिखा है या ये बनाया है ये सेम चीज है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम इस पे एक्सप्लेन कर दें कि भाई कॉन्ट्रैक्शन इसमें जरा बता दें किधर हो रही है, ठीक है। अब मैं वो बताने लगा तो अपने दिमाग में आपने इलेक्ट्रिकल इवेंट को करना है थोड़ा सा पॉज। अब हमने कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करना, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी जी बेटे चलो ठीक है, सॉल्व किया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बाकी सीरियसली मैं इसके अंदर जगह बना लू, इसको बता दूं, समझ में आ गया ना पॉजिटिव है। बस जीरो को मैं रहने देता हूं ऊपर, समझ ऑटोमेटिकली समझ में आना है कि ये पॉजिटिव है। अच्छा अब आप ये सोचें कि आपने कार्डिक मसल का एक पीस ले लिया, ये कार्डिक मसल का पीस है, ठीक है। ये इस वक्त अपने आर एम पी पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, ठीक है। यानी ये माइनस 90 मिलीवोल्ट पे है। इसको अब आपने तीली लगा दी, याद है ना तीली कल से, इसको वो आपने बिजली गिर गई इसके ऊपर, कार्डिक इंपल्स आ गई इसको, यस। अब इसने पॉजिटिव होना है, कैसे पॉजिटिव? ये हमने कहा जी ये पॉजिटिव हो जाता है इतना ऊपर चला जाता है, और ऐसे करके हमने वो बनाई है डीपोल, हमने ऐसे ऐसे करके नहीं बनाई, ढीली शीली बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, तेज अमल होता है। कैसे? क्या शाबाश, कोई पॉजिटिव शय इसका मतलब है सेल के अंदर आती है जो वैसे बाहर बैठी होती है, लेकिन जब कार्डियक जब कार्डियक इम्पल्स आती है तो कुछ होता है, कोई दरवाजा खुलता है जिसकी वजह ये वो दरवाजा वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स का दरवाजा होता है। इसके मैंने काफी डिटेल बताई है, वो डिटेल सारी तो नहीं आपके अप्लाई होती, उस लेक्चर में काफी डिटेल है, यानी वो तमाम डिटेल मौजूद है जो आपके लिए ज्यादा है, लेकिन अगर उसको देख लोगे तो मार कभी नहीं खाओगे इसको। तो बेटा जी इस कार्डियक मसल की मेम्ब्रेन में ढेर सारे सोडियम चैनल्स लगे हुए हैं, ये वाली टाइप के फास्ट वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स, क्योंकि वोल्टेज गेटेड है यानी इनको ये वोल्टेज सेंसिटिव है, इनको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिव फास्ट सोडियम चैनल। आपने इम्पल्स डाल के ना वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डाल के इनको डिस्टर्ब कर दिया, बस ये मोटी बात। जब इनको वो ये सो रहे थे -90 में बंद बंद करके, दुकान शुकान बंद है, आराम से सो रहे हैं, आपने ले आए इम्पल्स, जब हम इम्पल्स ले आए ये खुलना शुरू हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने वोल्टेज चेंज कर दी, ये तो -90 पे चिल कर रहे होते हैं, अब आपने वोल्टेज में डिस्टर्बेंस की, और जैसे ही -90 से कहां तक पहुंचना है ना, ये किसको पता है -65 ये क्या होता है? नहीं पता, ये नहीं पता होगा, इसे बेटे कहते हैं थ्रेशोल्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं। माइनस अब कार्डिक इंपल्स आई, उसने जगाया, उठोए उठ जाओ यहां से, बस काफी हो गया रेस्ट। -90 से अब पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हुआ, अभी लाहौर में 10 बजे आराम से दुकानें खुल रही है, 11-12 बजे दुकानें पूरी खुलती है, ऐसे ही है अभी 10 बजे, अभी थोड़े बहुत चैनल खुले हैं, -90 से 85 हुआ है, फिर -80, फिर 75, जब 65 हो जाता है तब एक धमाका होता है, तब सारे जो बाकी हैं ना सारे खुल जाते हैं और बैक वक्त खुलते हैं, क्यों? क्योंकि -65 मिली वोल्ट्स पे अगर आप ये चैनल है आप बंद रह नहीं सकते, आपकी ये छेड़ आपकी ये टीज है, ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे आपके गेट्स खुलेंगे बंद नहीं रह सकते, नहीं सवाल ही करता है, ये बने हुए ऐसे क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिव है। -90 और 65 के दौरान ये थोड़ी सी सुस्ती दिखा सकते हैं, लेकिन वंस आप -65 पे आ गए अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये धड़ाम से फटेंगे और वो सारा सोडियम एक सुनामी की तरह अंदर आएगा और ये ग्राफ बिल्कुल लीनियरली ऐसे करके ऊपर जाएगा। बात समझ आई? -65 इज द
थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एक्शन पोटेंशियल, ये एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके लिए। जिसने डिटेल में पढ़ा हो उसको ये सवाल आना चाहिए, ठीक है। मेरे स्टूडेंट को ना आया, मैंने पर्सनली आके डंडे मारने को, क्यों? क्योंकि वही बात है, जब जोर से पढ़ाया जाता है तो फिर जोर से पढ़ा भी जाता है। मुझे ये बात याद रखने वाली है, मैं पूछता रहूँगा आपको मुझसे गायब हो गए रैंडमली। सो ये जहाँ ऊपर चला गया, अब ऊपर जाके जब ये पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाता है, क्योंकि ये फास्ट है ऐसे जाता है, नेगेटिव से फास्ट ऐसे करके जाता है आँख, तो आप देर में झपकेंगे। ये पहले ही ये मिली सेकेंड्स की बातें होती हैं, आप देखो ना टाइम इधर शो हो रहा है, टाइम तो लगा ही कोई नहीं। अगर आप डी पोलराइजेशन को देख रहे हो, टाइम कौन लगाया? वो उसी एक मिली सेकेंड में ठप करके ऊपर चला गया। अच्छा, अचानक जब ये पॉजिटिव में जाता है, इतनी पॉजिटिविटी इसको बारे नहीं है, ये ठप करके बंद भी हो जाता होता है। जब ठप करके खुल सकता है, ये ठप करके बंद हो जाता है, इसीलिए ये चोंच बनती है। अगर आप गौर करें तो ये जो चोंच बनी है, ये और फिर ये चोंच बनना जो है ना, ये बड़ा पिक्यूलियर बात है। किसी बायोलॉजी का टिश्यू हो और उसके डीपोलराइजेशन कर्व में चोंच बन रही हो, इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसे करके कुछ हली थी और वो धड़ाम से नीचे आई। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई बहुत ही फास्ट शेयर हो पीछे, जो ऐसे कर रहे हो, वरना चोंचे नहीं बनती ग्राफ्स में बायोलॉजी में। ये बहुत रेयर चोंच है बायोलॉजी की कर्व्स में, ओके। और ये कर्व, ये चोंच इसलिए बनती है कि डीपोलराइजेशन एक्चुअली सोडियम चैनल की वजह से होती ही इतनी फास्ट है कि उसमें चोंच बन जाती है ब्रॉक। यस, यहाँ पे बेटे खुलेंगे सोडियम, अब मैं समरी बयान कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं खुलेंगे ये चैनल्स, यहाँ पे ये बंद हो जाएंगे धड़ाम से, जितनी अचानक खुले थे उतने धड़ाम से बंद भी हो जाएंगे, तो फौरन ग्राफ रुकेगा और फिर क्या होगा? रुक जाओ। अब मैं आप लोगों को वो एक चीज़ बता रहा हूँ जो किताबों में यूजली नहीं लिखी होती, इवन अच्छी अच्छी किताबों में नहीं लिखी होती। सोडियम का एक माठा कजन भी है, माठा कजन। क्यों? जरा स्लो है, तेजियां नहीं आती उसमें, स्लो है। तो जनाबे अली, सिर्फ सोडियम नहीं है इस कहानी में, इसमें पोटेशियम चैनल्स भी हैं, लेकिन वो स्लो है, हाउएवर दे आर आल्सो वोल्टेज गेट। तो वो भी तस्वीर निगाहों से देख रहे होते हैं ये सारे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उनका जो खुलनी है उनकी, वो बहुत स्लो है। तो आप ये सोचें और ध्यान में रखिएगा, वरना ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगी आपसे, ये गौर कर लो अभी से। ये जो ऊपर की शूज लगाई है इसने सोडियम ने, ये पीछे बेचारा पोटेशियम भी खुल रहा है आराम आराम से, लेकिन वो बिल्कुल ही लॉरी है, वो 3 बजे तक खुलेगा आराम से। और उसका खुलने का ज़रा मामला डिफरेंट है, कैसे? ये एक सेल है, इसको अभी कार्डियक टिश्यू नहीं, मैं एक अलग बता कंफ्यूजन हूँ, ये एक सेल बना दिया जी मैंने। मुझे बताओ सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होते हैं या इंट्रा सेल के अंदर ज्यादा होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सपेक्टिंग कर रहा था यहाँ से। ईसीएफ में सोडियम ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। नहीं, बच्चों को फौरन नहीं पता चलती है। अच्छा, अभी तुम लोगों को कह दूंगा जो आठ दिन हुए हैं, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड। इसका अंदर मैं और हार्ड पढ़ाऊंगा, हर चीज को तुम लोग ना मान लिया करो, आप नहीं सर हार्ड ना पढ़ाएंगे उसमें भी चुप हो जाते हो, बोला करो आगे से। पोटेशियम, अब पोटेशियम बताऊंगा, कुछ नहीं समझे, इनसाइड इनसाइड पोटेशियम ज्यादा होता है, आउटसाइड पोटेशियम कम होता है, ठीक है। अब आपने जब सोडियम का गेट खोला तो सोडियम ने कहां से कहां मूव करना है? ऑब्वियसली यही किया हमने, लेकिन साथ मैंने आपको ये वक्त बता दिया कि पोटेशियम भी होता है, इसने कहां मूव करना है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ऐसे करते हैं, ये ठीक है, ठीक है ना। पोटेशियम, इसे कहते हैं इफ्लक्स, इसे कहते हैं इनफ्लक्स, ठीक है। तो सोडियम का हो गया इनफ्लक्स, पोटेशियम का हो गया इफ्लक्स। याद रखना, पोटेशियम इफ्लक्स रीपोलराइजेशन करवाता है, मैं लिख भी देता हूं। और इधर गया ये सोडियम चार्ज इनफ्लक्स, यहां तो ठीक है, लेकिन अब कसूरी मैंने ये डाल दी थी
थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाए, पाँच दस मिनट ऊपर चला जाए। इससे मुझे पता है आप लोगों ने जाना भी होगा, कोई लेने आया होगा या कौन सा माइक्रोबायोम सर आप ले लें, अभी उम्मीद नहीं है। जब मैंने आपसे कहा डीपोलराइजेशन शुरू होती है साथ ही सोडियम के साथ साथ पोटेशियम चैनल भी खुलते हैं, क्योंकि वो भी वोल्टेज सेंसिटिव ही होते हैं लेकिन वो बहुत स्लो होते हैं। तो जैसे जैसे ये सुनामी सोडियम के अंदर आ रहा होता है, ये बेचारा अपना हल्का हल्का सौदा बाहर भेज रहा होता है लेकिन वो कोई देखता नहीं है, वो दिखता ही नहीं है। क्यों भाई? एक पूरी सुनामी अंदर आ रही है, सारी जो वोल्टेज का करंट है ना ग्राफ पे, वो सोडियम रिप्रेजेंट कर रहा होता है, समझिएगा। लेकिन जैसे ही सोडियम बंद होता है, वो बेचारा जो लेट लतीफ है वो नजर आना शुरू होता है। ये है बच्चे अर्ली डीपोलराइजेशन, अर्ली में छोटी सी एक हल्की सी किरण आती है डीपोलराइजेशन की, वो इस वजह से नजर आती है। हाउएवर ये थोड़ी सी ही होती है क्योंकि इस जगह एक और शिकारी खुल जाता है। तो ये कैल्शियम, ये भाई साहब भी बाहर ज्यादा पाए जाते हैं, अंदर कम पाए जाते हैं, और अच्छी बात है अंदर कम पाए जाते हैं। क्यों? ये मैंने क्या बात की, क्योंकि हमें सिर्फ इनकी जरूरत उस वक्त है जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर ये हर वक्त अवेलेबल है तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ये हमें नहीं चाहिए, फटीक हो जाएगी। हम इसको सिर्फ हस्बे जरूरत अंदर लाते हैं। अब अर्ली रिप्रोजेक्ट समझ आएगी। अब ये फ्लैट पोर्शन, अच्छा बाय द वे मैंने वीडियो में 0, 1, 2, 3 करके समझाया बेटे, वो मेरी मजबूरी इसलिए है कि जो स्टैंडर्डाइज किताबें हैं ना वो ये पूरे पूरे जुमले नहीं लिखती, वो आर एम पी को 0 कहती हैं, डीपोलराइजेशन को 1 कहते हैं, री को रीपोलराइजेशन को अर्ली रिप्रोजेक्शन को 2 कहते हैं, प्लेटो को 3 कहते हैं और 4 को रीपोलराइजेशन कहते हैं। इसमें कोई साइंस मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ वो उन्होंने डिजिट्स का नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये एमबीबीएस और अलाइड हेल्थ साइंसेज दोनों के लिए था, तो मैंने थोड़ा सा अमेरिकन बुक फॉलो की, तो ये आपके लिए भी इतना बड़ा रौला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को समझ आएगी। आपने सिर्फ वो 0, 1, 2, 3 कर दो तो वो ये वाली चीज सेम बन जाती है। प्लेटो, ये जो वोल्टेज है ना, ये जो एरिया है ये वाला, ये किसी और शिकारी के लिए भी मुआफिक है, वो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। अब वोल्टेज गेटेड स्लो कैल्शियम चैनल्स, वो इस एरिया में, इस वोल्टेज के एरिया में खुश रहते हैं, इस एरिया में वो खुल जाते हैं, यहां पे नहीं खुलते, यहां पे नहीं खुलते, वो इस एरिया में खुलते हैं। तो जब पोटेशियम बेचारे को लगा कि उसकी बारी अब आ गई है, उसकी खुशी जो थी वो टेम्पररी थी, क्योंकि अचानक क्या हुआ, धड़ाम से कैल्शियम आयंस, कैल्शियम चैनल्स खुल गए, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया, इसकी ये जो ईफ्लक्स थी ये फिर दब गई, क्योंकि कैल्शियम थोड़ा थोड़ा अंदर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये सारा जो काम हमने किया था ये कैल्शियम को अंदर लाने के लिए ही किया था। ये सारी वोल्टेज की जो हिसाब किताब हमने किए हैं ये एक्चुअली कैल्शियम के अंदर लाने के लिए किए। तो जिसने सवाल किया या नहीं किया, मैंने किया था सवाल कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रही है, प्लेटो सुन लो, जब एक्शन पोटेंशियल प्लेटो दिखा रहा होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम अंदर आता है। तो अगर कोई ये सवाल कर ले किसी भी एंगल से कि जी ये इसको डिफरेंट करने के बेटे तरीके हैं, इसको एक करने का तरीका ये है, जो सिंपल तरीका है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन जरूरी है, कैल्शियम। एक्शन पोटेंशियल में ये एक सवाल, पेट सवाल, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल में प्लेटो फेस की खुसूसियत या वो बरकत या जो भी है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कैल्शियम इसमें अंदर आ रहा है, इनफ्लक्स कैल्शियम का होता है। एक और बरकत है वो लिख लो, वो मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। एक सेकंड बरकत हुई है जो इस बच्चे ने सवाल किया, आपने किया था ना कि इतना स्पेस क्यों है, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने किया था, बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें और इसमें इतना गैप है, ये बहुत अच्छी बात है कि इतना गैप है इसमें, वो कुछ समझ आई, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मैंने इतना लंबा चौड़ा उसमें एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल नहीं समझ आई, था इस लेक्चर में या नहीं था, चलो मैं आज कर लूँ, सेकंड है इसका पार्ट, रिफ्रैक्टरी पीरियड समझते हो, रिफ्रैक्टरी आखिरी एक मिनट में जाते जाते, लिटरली जब मैं जा रहा हूँ तब मैं एक्सप्लेन करूँ, अभी रोक दो उसको, रीपोलराइजेशन पे आ जाए, हमने प्लेटो कवर कर लिया, प्लेटो में कैल्शियम लिख भी देते हैं,
कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज रह गई, वो हमने पहले ही कर ली है, जब यहां तक कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है खत्म और वोल्टेज जरा अब मनफी दर्जों में जा रही होती है, कैल्शियम नाराज हो जाता है और वो बंद हो जाता है। अब जो वो पीछे चल रहा था बेचारा 1947 से पोटेशियम इनफ्लक्स, अब उसको फाइनली रनवे मिल जाता है, अब वो कहेगा जी अब मेरी बारी आ गई। उसकी बारी का मतलब ही ये है कि अगर आप पोटेशियम को बाहर फेंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिव स्टफ सेल से बाहर ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नेगेटिविटी की तरफ सेल को लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है, यही होता है कि नीचे नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाता है टिल इट हिट्स आरएमए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90, फिर वो चुप होके बैठ जाता है। फिर यहां से कैल्शियम आना फिर बंद हो जाता है, यहां पे बंद हो जाता है। सो क्यों होता क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है उस चैनल की कैल्शियम चैनल की वो इस यहाँ पे उसके मुवाफिक है, जैसे ही हल्का सा नीचे जाता है वो फिर प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है। और दूसरी बात, किसने पूछा सवाल, सवाल ये किसने पूछा ये कि ये क्यों होती है, दूसरी वजह ये है कि इस एरिया में पोटेशियम चौधरी बन जाता है इवेंचुअली फाइनली, ये जो एरिया ना ये वाला एरिया यहाँ पोटेशियम इफ्लक्स तेज हो जाता है, बस बहुत हो गई ना पोटेशियम बेचारे के साथ इग्नोर हो गया, यहाँ वो तेज हो जाता है कैल्शियम को कर देता है बीट और इतनी इस्लामिक कैल्शियम बंद भी हो जाता है, तो बस फिर पोटेशियम को खुला खाता मिलता है। बेटे ये है आयनिक बेसिस ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, आयनिक बेसिस यानी आयंस की एक्सप्लेनेशन है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फिर पोटेशियम, सारे फेजेस कवर होते हैं। अब क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ ली है, प्लेटो के दौरान होती है कैल्शियम बेस्ड होती है, वो जो डिस्टेंस है वो प्लेटो की वजह से होता है, अगर ये नर्व एक्शन पोटेंशियल होती है, वैसे ये मैंने बात की है उसमें गंदे बच्चों, ये मैंने बात उस वीडियो में की है, मैंने बनाया भी है कि अगर ये नर्व एक्शन पोटेंशियल हो तो कैसा हो, ये मैंने बात मान लो ऐसा हो, ये बना के मैंने नाकाम कोशिश की थी बनाने की, वो हिल जाता है कर्सर बार बार, तो जब नर्व एक्शन पोटेंशियल होता है तो वीडियो में ऐसा दिखता है, और कार्डिक देखो आपको वहां बिठा दिया जाए पीछे, और यहाँ मैं दोनों कर्व सुना दूं, अब आप बता सकते हो उधर बैठे हुए कि कार्डियक वेंट्रिकल मसल जो है उसकी इनमें से एक्शन पोटेंशियल कौन सा वाला है, जो ब्रॉड है समझ लो वो कार्डियक है क्योंकि उसमें प्लेटो बैठा हुआ है बीच में, जो नर्व है उसके दौरान प्लेटो नहीं है, वो सिर्फ डी और रीपोलराइजेशन है, कोई प्लेटो नहीं है, क्योंकि नर्व तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना करती है, नर्व को प्लेटो देके क्या करना है, उसमें कैल्शियम चैनल ही नहीं होता, बात करें आप, ठीक है। ये है मामला। अच्छा, जो दूसरी बरकत है, खैर मैं बात पूरी करूँ, जो दूसरी बरकत है प्लेटो की वो ये है कि कार्डियक मसल टेटनाइज नहीं है, लिख लो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वक्त, कार्डियक मसल टेटनाइज नहीं हो सकता, उसको टेटनी नहीं होती, टेटनी क्या होती है, टेटनी होती है अगर आप एक स्केलेटल मसल को ओवर स्टिमुलेट कर देना तो वो कॉन्ट्रैक्शन 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 करके ना एक स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन फंस जाता है ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, कार्डियक मसल को ये नहीं कर सकते आप, क्यों, इतना बड़ा दरमियान में प्लेटो बैठा हुआ है, वो इसको रेजिस्ट करता है टेटनाइजेशन, इसकी डिटेल में किसी दिन बताऊंगा, फिलहाल आप एक पॉइंट नोट करो, कोई आपसे पूछे क्योंकि आपको ऐसे क्यों आना है ना, इसलिए मुझे खतरा रहता है इस बात, कोई आपसे पूछे कि प्लेटो के फायदा क्या है, प्लेटो का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो इन कार्डियक वेंट्रिकल मसल एक्शन पोटेंशियल, तो आप ये कहेंगे नंबर वन इसमें जनाब अली कैल्शियम अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें होती है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी कि इट रेजिस्ट्स या इट अवॉइड्स टेटनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, रिफ्रैक्टरी पीरियड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे बाय इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, सर रिफ्रैक्टरी पीरियड जो नीचे से हो गया टाइम, नहीं नहीं रिफ्रैक्टरी पीरियड अभी लिख लो बस, मैं जाते जाते क्या बता दूंगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड जी बेटे नहीं समझ आ रही, रिपीट, प्लेटो की फजीलत बयान कर रहे थे, नंबर वन इस केस के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होती है, नंबर टू के ये टेटनाइजेशन को अवॉइड करता है बाय इंक्रीजिंग, बढ़ाना इंक्रीजिंग
रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फिनिश। वो भी बात आखिरी मैंने कहा था कि मैं रिफ्रैक्टरी पीरियड जाते जाते एक्सप्लेन कर दूंगा, अब मैं वो करने लगा। जल्दी से सर आपने कहा कि कैल्शियम जब ये नेटवर्क पे कैल्शियम आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ये जो सोडियम अंदर जा रहा था उसकी वजह से क्या हुआ सर? मतलब उस तक तो कोई काम नहीं हुआ। बैठ जाओ। आपने ये जो कैल्शियम के मुवाफिक वोल्टेज है यहाँ तक कैसे आए हैं आप? यस सर। कैसे आए हैं? सोडियम कैसे आए? आप इधर बैठे हुए थे बेटे, आप तो ठंडे इलाके में बैठे हुए थे, वो तो उधर था, तो ये वोल्टेज सोडियम लेके जाता है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। सही बात, सोडियम अंदर आएगा, वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो कैल्शियम चैनल खुलेगा। समझ आ गया? अच्छा जल्दी जल्दी मोटी मोटी बात, रिफ्रैक्टरी पीरियड से क्या मुराद है? मैं बताने लगा हूँ चीजें, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड से सिंपली मुराद ये है, मैं लिख भी दूँ तब स्पेलिंग भी समझ में आ जाए। रिफ्रैक्टरी पीरियड वंस अगेन, अगर आज सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह बैठ गए हैं तो दिस इज गुड प्रोग्रेस। ये अगर टोटली समझ ना भी आए तो परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा आगे की बात, ये एक साथ नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतने चाहते हो पढ़ें आप और अपनी ज़िंदगी में मुसीबत करें मजीद के, मैं ये करने लगा हूँ आपसे। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम जब दोबारा एक्शन पोटेंशियल को उसी जगह जहां पहले वो स्टिमुलेट किया गया है दोबारा वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना किया जा सके। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है नो रिफ्रैक्टरी, मैं रिफ्रैक्टरी हूं किसी भी कमेंट के लिए, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी कमेंट, रिफ्रैक्टरी नो काटा ऐसे जैन बनाओ कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब यह है कि अगर मैंने एक मसल को डीपोलराइज कर दिया है और इसी असना में मैं एक और इम्पल्स जनरेट करता करना चाहूँ, अगर इसमें एक सेकेंड डीपोलराइजेशन करना चाहूँ, नहीं होगी, नहीं होगी, इससे कहते हैं रिफ्रैक्टरी। मोटी सी बात, ठीक है, मोटी सी बात, दैट्स इट। अब इसे कनेक्ट कैसे करना है प्लेटों के साथ वो मैं अभी नहीं करूँगा, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओ। फिलहाल आपने सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक टिश्यू ऑलरेडी स्टिमुलेटेड है उसको सेकेंड स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता, इस चीज को इस फीचर को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। एक फिक्र इसमें ऐड कर लो, कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड इज लॉन्गर देन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटो, जो मैंने अभी लिखवाया, ड्यू टू प्लेटो द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक मसल इज लॉन्गर देन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। बस चलो जो यहाँ से बस अल्लाह हाफिज एंड दी एंड।